हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैभव मोटर वर्ल्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं यामाहा MT15 वर्जन 2.0 मोटो जीपी एडिशन है, और इस गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, डिटेल में ऑन रोड कीमत क्या है, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो में प्लीज़ बने रहें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर जो इसका मोटो जीपी एडिशन है, वहाँ पर अगर हम फ्रंट प्रोफाइल से इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मीटर मिल जाता है, LED टर्न सिग्नल्स मिल जाते हैं, हज़ार्ड का बटन नहीं मिलता है, MT15 की ब्रांडिंग, और यहाँ पर आपको थोड़ा बम्बल बी वाला लुक आता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर वाला लुक पूरा लगता है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। बाकी यहाँ पे आपको मॉन्स्टर का स्टिकर मिल जाता है यामाहा के लोगों के साथ, और ये पूरा मेटैलिक कलर दिया गया है मडगार्ड के ऊपर भी आपको, और इसमें आपको 282 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है बाइब्रे के कलिपर के साथ ABS, और यहाँ पे आपको 110/80/17 का टायर मिल जाता है, सॉरी 110 नहीं है, 100 mm का टायर है आपको, 100/80/17 का टायर मिल जाता है। अपसाइड डाउन वाले गोल्डन कलर के फॉर्क सस्पेंशन मिल जाते हैं, यहाँ पे मॉन्स्टर एनर्जी का स्टिकर मिल जाता है दोस्तों, और जो साइड प्रोफाइल से देखोगे लुक तो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखने में लगेगी। यहाँ पे यामाहा का लोगो, यहाँ पे मॉन्स्टर का M मिल जाता है। बाकी यहाँ पे टैंक पर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मेटैलिक पेंट मिलता है, स्पार्कलिंग आप देख पा रहे हैं, धूप में आप लेकर निकलोगे ना तो मज़ा ही आने वाला है, मतलब काफ़ी ज़्यादा शाइन करेगी दोस्तों। यहाँ पे E20 वाला ये मॉडल है, ये लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, ये पहले भी आता था बट ये फेस्टिवल ज़्यादा बिकता है तो इस वजह से कंपनी ने फिर से लॉन्च कर दिया। यहाँ पे आपको यामाहा की चाबी मिल जाती है, कुछ इस तरीके से चाबी दी गई है, और हैंडल में नहीं टैंक पर आपको इसका की पॉइंट मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको मीटर मिल जाता है जिसमें आपको शिफ्ट टाइमिंग की लाइट मिल जाती है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, डिजिटल फ्यूल गॉज मिल जाता है, और यहाँ पे आपको रियल टाइम एवरेज ट्रिप मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, और बैटरी की वोल्टेज दिखा देता है, साइड स्टैंड का इंजन कट ऑफ का सेंसर आ जाता है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे दोस्तों, जहाँ पे आप चेकआउट कर पा रहे होंगे, कॉल अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट, बैटरी, फ़ोन की इंडिकेटर और जैसे फीचर्स दिल जाते हैं, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बड़ा सा RPM मीटर मिल जाता है, VVA की लो लाइट मिल जाती है, बाकी यहाँ पे न्यूट्रल की लाइट आ जाती है, और इंजन माल फंक्शन TCS की लाइट, यहाँ पे मिरर्स आपको काफ़ी यूनिक और स्टाइलिश देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, और एक ही बटन में इंटीग्रेटेड बटन दिया गया, हाई बीम लो बीम पासिंग का बटन, यहाँ पे हॉर्न का बटन आ जाता है, नीचे इंडिकेटर का बटन आपको देखने को मिल जाता है, इसमें आपको हज़ार्ड का बटन देखने को नहीं मिलता है। काफ़ी लॉन्ग सी हैंडल बार मिल जाती है, और यहाँ पर आपको रेड कलर का इंजन, किल स्विच और सेल्फ का स्विच। चलिए सबसे पहले बाइक की आवाज़ को सुनते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको बाइक की आवाज़ कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे आपको BI फंक्शनल प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप मिल जाता है, अब मैंने इसको लाइट को जलाया तो आप चेकआउट कर लीजिए, और एक ही प्रोजेक्टर में आपको हाई बीम और लो बीम दोनों ही देखने का ऑप्शन आराम से मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ चलें तो यहाँ पे इंजन में आपको यामाहा की ब्रांडिंग मिल जाती है, बाकी यहाँ पे MT15 की ब्रांडिंग, और यहाँ पे यामाहा ल्यूब का स्टिकर मिल जाता है। इंजन और पावर की बात करें तो इसमें लगा है 155 cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन, ये इंजन मैक्सिमम पावर देता है 18.5 PS की 10,000 RPM पर, और 14 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 7,500 RPM पर। माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 50+ माइलेज आराम से देखने को मिल जाती है, अगर आप गाड़ी इकोनॉमी जोन में चलाते हैं तो इसमें आपको एलुमिनियम स्विंग आर्म मिल जाता है दोस्तों, बाकी एडजस्टेबल फुटपैक्स मिल जाते हैं। और टॉप स्पीड की इस बाइक की बात करें तो यहाँ पे आपको 150 तक टॉप स्पीड चली जाती है, ब्रेक का पैड एडजस्टेबल फुटपैक्स मिल जाते हैं आगे पीछे दोनों की तरफ, और यहाँ पे इसका कुछ चेचिस दी गई, यहाँ पे इनॉस का स्टिकर लगा, यहाँ रेप्स योर हार्ट का स्टिकर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको LED टाइप की टेल लाइट मिल जाती है, और LED टाइप के टर्न सिग्नल्स मिल जाते हैं। रुकिए मैं पहले इंडिकेटर को ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि LED टाइप के आपको टर्न सिग्नल्स देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। बाकी डिस्क ब्रेक की बात करें तो पीछे आपको 220 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है, पीछे भी आपको ABS मिल जाता है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है, टायर हगर मिल जाता है दोस्तों, और यहाँ पे पीछे का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिया गया है। वहाँ पे आपको 7-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक नाइट्रॉक्स टाइप का सस्पेंशन मिल जाता है। बाकी पीछे वाले टायर साइज़ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पीछे वाले आपको 140/70R17 का टायर मिल जाता है, रेडियल ट्यूबलेस टायर पीछे मिल जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वो पत्ती वत्ती थोड़ी चौड़ी लगाई है जिससे कीचड़ आपका ऊपर ना जाए दोस्तों, और यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है जिसके जो पैर वैर वो टायर के अंदर ना जाए।
जहाँ पे एडजस्टेबल फुटपेक 6 स्पीड गियर बॉक्स आ जाता है। 6 गियर इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाते हैं। साइड स्टैंड के ऊपर इंजन कट ऑफ का सेंसर और यहाँ पे आपको मॉन्स्टर एनर्जी का स्टिकर मिल जाता है दोस्तों। और इंजन की रिफाइनमेंट के मामले में बात करें तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और बात करते हैं दोस्तों इसके प्राइस की, तो यमहा MT15 मोटो GP एडिशन E20 2023 के इस मॉडल की एक शोरूम प्राइस है 1,72,700 रुपये और इसकी ऑन रोड प्राइस है 2,07,634 रुपये, जो कि मैंने आपको स्टार यमहा आलमबाग लखनऊ की बताई है दोस्तों। अगर आपको अपनी सिटी का प्राइस जानना है तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और शोरूम की सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे एक MT15 का मॉन्स्टर एडिशन आता है, एक यमहा ZRA का मॉन्स्टर एडिशन आता है और R15 का आता है। यहाँ पर आपको सारी बाइक्स अवेलेबल मिल जाएंगी। अगर आपको आना है तो प्लीज़ फ़ोन पर कॉल करके ज़रूर आएँ। आलमबाग में है, सारी लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नई गाड़ी को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।